मुंबई के ताज होटल के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। इस होटल की जो खूबसूरती है और इसका जो आलिशान आर्किटेक्चर है वो हर किसी को अपने ओर आकर्षित करती है। हालांकि ताज होटल की शुरू होने की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल ये होटल एक अपमान का बदला लेने के लिए बनाया गया था। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा ने ताज का पहला होटल 1903 में मुंबई में बनवाया था। बात उस समय की है जब जमशेद जी टाटा ब्रिटेन गए हुए थे। यहाँ उनके एक विदेशी मित्र ने उन्हें एक होटल में मिलने के लिए बुलाया हुआ था। टाटा ग्रुप की वेबसाइट के अनुसार जब जमशेद जी टाटा अपने मित्र के साथ उस होटल में पहुंचे तो उस होटल के मैनेजर ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था। मैनेजर का कहना था कि हम भारतीयों को अंदर आने की इजाजत नहीं देते हैं, भारतीयों का अंदर आना मना है। होटल के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था और इस साइन बोर्ड में लिखा हुआ था कि भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते हैं। जमशेद जी टाटा को ये केवल ना खुद का अपमान बल्कि पूरे भारत का अपमान लगा। वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो एक ऐसे होटल का निर्माण करेंगे जहाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आकर रह सकेंगे, वो भी बिना किसी रोक टोक के। वो एक ऐसे होटल का निर्माण करेंगे जो पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगी। ब्रिटेन से मुंबई वापस आने के बाद जमशेद जी टाटा ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने पहले ताज होटल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ये होटल समुद्र के बिल्कुल सामने बना। वर्ष 1903 में ताज होटल का निर्माण कार्य पूरा हो गया और 16 दिसंबर 1903 को जमशेद जी टाटा ने ताज होटल का उद्घाटन किया। इस होटल को बनाने में उस समय 25 लाख रुपए का खर्च आया था। जिस ब्रिटिश होटल से जमशेद जी टाटा को भारतीय होने की वजह से निकाल दिया गया था, आज उसी देश के लोग जब भी भारत आते हैं तो ज़्यादातर ताज होटल में ही रुकना वो पसंद करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ताज होटल को 600 बिस्तरों के साथ एक आर्मी हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। इसे ब्रिटिश राज के समय से ही बेहतरीन होटलों में से एक माना जाता रहा है। हालांकि मुंबई के खूबसूरत ताज होटल पर 26 नवंबर 2008 की रात को कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। आतंकियों ने होटल के अंदर भयानक तबाही मचाई और कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में कई लोगों की मौत भी हो गई और ताज होटल को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से ताज होटल का पुनर्निर्माण किया गया। आतंकी हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस होटल में रुकने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बने थे। हालांकि ये जो ताज होटल है आज दोबारा से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है और इसका जो आर्किटेक्चर है और इसका जो आलिशानता है उसकी तारीफ आज देश विदेशों में भी की जाती है। और जब भी विदेशों से लोग आते हैं वो भी ताज होटल में रुकना ही पसंद करते हैं। वाकई में ताज होटल की जो कहानी है ये राष्ट्रभक्ति से भरी हुई कहानी है। जमशेद जी टाटा ने मुंबई के ताज होटल को भारत का मान सम्मान और गौरव को बरकरार रखने के लिए बनाया था और ताज होटल आज उसी का प्रतीक है। और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए भी ताज होटल को खड़ा किया गया था, जो आज दिखाता है कि जमशेद जी टाटा के मन में देश के प्रति कितना ज़्यादा प्रेम था। आप इस पूरे कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें और लोगों को मुंबई के ताज होटल के बारे में उसकी जो पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है उसके बारे में आप बताएं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।